SMS update. You just need 2 pumps and that's it. And then, you will see this. This is how it looks. Hi guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing well and welcome to another review video day. Aaj hum review karenge isko. So this one is Advanced Nail 96 Mussin Power Essence from Cosrx and I have been using this for a while, matlab kaafi mahine ho gaye hain and I want to tell you guys everything about this one product kyunki ye bahut zyada important ho chuka hai mere liye. And for months I have been using this और मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं है जो इसके बिना बिताया हो. And you guys know that if I am using something और मेरे को अगर वो चीज अच्छी लगती है या मेरे ऊपर वो सूट करती है, so I come up here and tell you guys everything about the product. So today is the day for Cosrx. So before starting the video, people who are watching my video for the very first time, welcome to my channel. My name is Vartika and I make fashion, lifestyle and beauty videos. If you find my videos useful, do share it with your friends and family and don't forget to subscribe to my channel. So let's not waste any more time and let's get directly into the video. So you know that we're gonna talk about this product, right? तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि एक व्हाइट कलर के पैकेजिंग में आता है एंड सिंस आई एम यूजिंग दिस फॉर अ वाइल नाउ वो पैकेट नहीं है मेरे पास अभी, बट आई विल पेस्ट द पिक्चर हियर सो दैट यू कैन सी कि ये किस तरह के पैकेजिंग में आता है. एंड पहले तो ये देख लो ये कितना खत्म हुआ है, ये पूरा यहाँ तक भरा होता है, ठीक है. एंड अभी मैंने यहाँ तक खत्म कर लिया है एंड समथिंग आई एम गोना टेल यू गाइज एंड यू विल नॉट बिलीव मी, सो आई एम गोना पोस्ट द पिक्चर हियर एज वेल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसे ऑर्डर किया था जनवरी में 23rd या 24th के आसपास, मतलब वो आया था मेरे को, मैंने पहले ऑर्डर किया था एंड 23rd 24th के आसपास मेरे को ये मिला था. फिर इधर उधर आई थिंक मैंने कुछ दिन तो नहीं यूज किया, बट वेन आई स्टार्टेड यूजिंग इट आई थिंक समवेयर अराउंड एंड ऑफ जुलाई और स्टार्टिंग ऑफ फेब एंड फ्रॉम दैट टाइम आई एम यूजिंग. चलो काउंट करते हैं साथ में, जनवरी खत्म हुआ, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फॉर 5 months आई हैव बीन यूजिंग दिस. जो मेरा रूटीन है वो एक डे रूटीन होता है, एक नाइट रूटीन होता है, मतलब एक एएम एक पीएम एक तरह से कह सकते हो आप. तो जो एएम रूटीन है ना उसमें आई एम यूजिंग दिस आंख बंद करके. फ्रॉम द फर्स्ट डे आई स्टार्टेड यूजिंग इट आई एम इन सो मच लव विद दिस वन दैट आई हैव नेवर लेफ्ट यूजिंग इट. मतलब समझ रहे हो अगर ये 5 महीने में सिर्फ इतना खत्म हुआ है तो इट विल लास्ट अनदर 2 to 3 months, बट अगर आप इसको एएम और पीएम दोनों में करोगे तब भी 2.5-3 महीने लग जाएंगे आपको इतना खत्म करने में. पैकेजिंग हो गई, कितना दिन चला ये भी आप जान गए. अभी इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं. इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो 1450 है, बट मेरे को ये 1305 में मिला था और मे बी आपको थोड़ा ऊपर नीचे मिल सकता है. जब आप 1400-1500 किसी चीज में स्पेंड करते हो तो आपको लगता है यार ये वेस्ट ऑफ मनी ना हो जाए, है ना. बट अगर आपने 1400 किसी चीज पे स्पेंड करा है एंड इफ यू आर यूजिंग इट फॉर मंथ्स आई थिंक वो बराबर हो जाता है. एक हिंदी में वर्ड है ना, सुना होगा सयार होना, मतलब ये अच्छे से सयार होता है, मतलब अच्छा चलता है. आपने 1400 लगाया है एंड आपको, मतलब मैंने 1400 लगाया एंड ये मेरे को 5 months से अभी चल रहा है एंड अनदर 2-3 months इट विल गो. 1400 फॉर 7 months अगर थोड़ा कम ऊपर नीचे कर ले तो. तो अगर 1400 7 months के लिए इफ आई एम यूजिंग तो आई थिंक दिस वन इज बेस्ट डील फॉर मी एंड मेरे लिए ये एक एक पेनी वसूल करता है. नाउ कमिंग टू इट्स टेक्सचर एंड व्हाई आई लव इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू द टेक्सचर. देखो मैं ना एक चीज दिखाने जा रही हूँ, बट यू डोंट डू इट एवरी डे. मतलब दिस वन वॉज सो वायरल ऑन इंस्टाग्राम, मैंने भी वहां पर देखा था, देन आई रेड अबाउट इट, बहुत सारा पढ़ा समझा एंड देन आई गॉट दिस वन फॉर माई सेल्फ. बट ना वो बहुत कुछ कुछ करके दिखाते हैं, यू डोंट हैव टू डू इट एवरी डे, बट टूडे फॉर यू गाइज आई एम गोना शो यू. कि देखो इसमें स्नेल मसन का है ना, तो पहले तो देखो ये ऐसे है, आपने यू जस्ट नीड 2 pumps एंड दैट्स इट. एंड देन ये देखो, कैन यू गाइज सी दिस, दिस इज हाउ इट्स लुक्स. एंड ये देखो इसका यही टेक्सचर है, स्लाइमी टेक्सचर है बहुत ज्यादा एंड ये ऐसे ऐसे होता है, मतलब नॉट अ नॉर्मल क्रीम और समथिंग लाइक दैट, है ना. तो इट्स वेरी फनी बट यू डोंट डू इट एवरी डे. एंड देन सेकेंड थिंग इज दैट जब भी आप इसको लगाते हो ना तो ट्राई टू अप्लाई इट ऑन योर वेट फेस, एज इन जैसे आपने फेस वॉश किया, लेट इट ड्राई हाफ, डोंट ड्राई इट फुली, एंड उसके बाद आपने इसे लगाया तो ये इतना अच्छा सेट होता है. एंड आई डोंट नो, देयर इज समथिंग, आई थिंक दैट स्नेल मसन जो भी है ये इतना सही है, ये आपके फेस को एकदम स्मूथ बना देता है.
मतलब आई हैव अ वेरी टेक्सचर्ड फेस, इफ यू कैन सी देयर इज बम्स एंड पिंपल्स. एक तो ये नया नया ही आया है, सो देयर इज एवरीथिंग ऑन माई फेस एंड दिस वन मेक्स इट सो स्मूथ. ये बहुत इजिली ग्लाइड एंड टेक इट फ्रॉम समवन जिसके फेस पे इतने पिंपल्स होते हैं एंड द स्किन इज सो सेंसिटिव एंड एवरीथिंग. दिस हैज वर्कड वंडर्स फॉर मी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको यूज करने से मेरे फेस पे कुछ भी नेगेटिव नहीं हुआ, एज इन देयर वॉज नो रैशेज, नो पिम्पल्स, नो इचिनेस और एनीथिंग. आई थिंक माई स्किन लव्ड इट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड आई एम गोना बाय द सेकेंड वन एज सून एज आई फिनिश द फर्स्ट वन. दिस वन इज सूटेबल फॉर ऑल द स्किन टाइप्स, बट सिंस माइन इज ऑयली आई कैन टेल यू फ्रॉम माई साइड कि देखो ये ना बहुत ही ज्यादा, मतलब कैसे बताऊं आप लोगों को कि ये इतना ज्यादा फेस पे वो होता है ना, एक तो स्मूथ कर देता है और दूसरा क्या होता है कि सिंस बहुत ज्यादा ऑयली फेस है मेरा, तो जनरली क्या होता है वेन एवर आई गो फॉर क्रीम्स एंड समथिंग लाइक दैट आई गो फॉर जेल बेस्ड स्टफ जो कि थोड़ा सा मेरे ऑयल को रोके और कंट्रोल करे. एंड दिस वन रियली हेल्प मी टू कंट्रोल माई ऑयल थ्रू आउट. ठीक है, मैंने अभी भी लगा रखा है एंड दिस वन रियली हेल्प्स मी. एक मिथ है जैसे बहुत लोगों को लगता है कि आपने ये खरीदा यू गोना गेट रिड ऑफ योर पिंपल्स या फिर जो पैचेस हैं या डार्क स्पॉट्स हो गए हैं पिंपल के वजह से या फिर जो अंडर आई का है कुछ भी है तो वो खत्म हो जाएगा. दैट इज नॉट ट्रू. दिस इज नॉट समथिंग यू गेट कि आपको पिंपल खत्म करना है या फिर आपको पैचेस खत्म करने हैं, डार्क स्पॉट्स खत्म करने हैं तो आप इसको खरीदो. नो, इट विल नॉट डू एनीथिंग लाइक दैट. दिस वन इज टू प्रोवाइड योर स्किन विद हाइड्रेशन. सो दिस वन प्रोवाइड्स यू विद द हाइड्रेशन एंड आई विल रीड समथिंग. बीइंग 96% स्नेल सिक्रीशन फिल्ट्रेट मसिन, जिसको मतलब समझ रहे हो ना, स्नेल फिल्ट्रेट है ये. दिस एसेंस हेल्प्स द स्किन टू लूज लेस मॉइस्चर व्हाइल कीपिंग द स्किन स्मूथ एंड हेल्दी. तो ये आपके मॉइस्चर को बहुत प्रोटेक्ट करता है, आपके ऑयल को कंट्रोल करता है. बट आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन, ये आपको डार्क स्पॉट्स या डार्क पैचेस नहीं हटा के देगा. इट विल जस्ट प्रोवाइड यू विद द हाइड्रेशन. सो आपकी स्किन ना हमेशा से प्लम्पी प्लम्पी रहेगी एंड इट विल बी ऑलवेज मॉइस्चराइज्ड. बट देखो एक चीज और है, दिस इज स्नेल एसेंस. ये क्रीम नहीं है, ये मॉइस्चराइजर नहीं है. तो आपको इसको लगाने के बाद यू हैव टू गो फॉर द सेकेंड राउंड. आपको एक मॉइस्चराइजर लगाना होगा एंड यू नो आपको सनस्क्रीन लगाना होगा. सो दिस इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप एंड अगर आपको अपने एएम और पीएम रूटीन में इसको शामिल करना है तो स्टार्ट डूइंग इट लाइक आपने फेस वॉश किया एंड उसको सिर्फ 50% ड्राई करना होता है, पूरा मत ड्राई करना एंड देन अप्लाई. कि फेस पे जो वो थोड़ा सा पानी रह जाता है उसके साथ ये मिक्स होके इतना अच्छे से ग्लाइड होता है आपके पूरे फेस पे. एंड डोंट फॉरगेट योर नेक, पूरे अच्छे से नेक पे भी अप्लाई करो बिकॉज यू वॉन्ट देम टू लुक सेम, राइट? इट्स नॉट अबाउट मेकअप. कोई भी स्किन केयर करो, मेक श्योर करो कि आपका फेस और आपका यू नो गला जो हो वो ऊपर से नीचे तक सेम प्रोडक्ट से लेयर्ड हो, जिससे कि आपकी स्किन सेम दिखनी चाहिए. अभी नहीं पता चल रहा है बट विद इन द स्पैन ऑफ ईयर 5-10 साल बाद अपना डिफरेंस देखना शुरू करोगे. बेटर कि आप जो भी कर रहे हो ना ऊपर से नीचे तक, मतलब फेस और नेक पूरा कवर करो. इट विल बी इवन गुड अगर आप अपने बैक नेक को भी कवर कर पाओ. सो दिस वॉज इट एंड आपको प्राइस बता दी, 1450 का है. मेरे को 1300 में मिला था एंड इसमें 96% स्नेल एक्सट्रैक्ट है. ऑयली स्किन, इसको लगाने के बाद गो फॉर सम जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर. इफ यू हैव अ कॉम्बिनेशन टू ड्राई स्किन यू कैन गो फ्रॉम नॉर्मल मॉइस्चराइजर्स एज इन क्रीमी मॉइस्चराइजर्स एंड देन लेयर इट अप विद सनस्क्रीन एंड यू आर गुड टू गो फॉर द होल डे. जब आप ये लेयरिंग कर रहे होते हो ना तो मेक श्योर करना है कि एटलीस्ट 60 सेकेंड, और 60 सेकेंड नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट मिनिमम ऑफ 30 सेकेंड का तो गैप दो वेन यू अप्लाई वन लेयर, सेकेंड लेयर एंड थर्ड लेयर. लाइट को भी अभी जाना था. एनीवेज अभी ये देखो थोड़ा सा अंधेरे में देखना पड़ेगा. दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड, आई जस्ट लव दिस वन एंड डोंट वरी आई मेंशन द लिंक सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो. ऑल्दो नायका पे बहुत ईजी अवेलेबल है बट आई मेंशन द लिंक. नायका पे भी है, अमेजोन पे भी है तो आपको आसानी से मिल जाएगा. सो आई मेंशन द लिंक एंड यू कैन गो अहेड एंड बाय इट फॉर योर सेल्फ एंड देख लेना. अगर कुछ अभी नए ऑफर्स आने वाले होंगे तो वेट फॉर सम टाइम एंड यू कैन ऑलवेज गो विद द ऑफर. दैट्स इट गाइज, आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल. डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन टेक केयर. बाय बाय गाइज.